तो भाई ये UK 14 का ट्रक है और देख सकते हो ऊपर को ले लो। तो भाई मेरा बिजली का बिल जा रहा, तुझे क्या परेशानी? अपने वाला बैग तो पहले अलग रख ले। फाइनली भाई हम लोगों का लगेज सेट हो गया और बस अब निकलने का रुख करते हैं हम लोग। देखा देखो यहाँ हर आदमी को जल्दी है, जबकि डराने उतरने वाला उतरने वाले डराने का हर आदमी को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए सामने वाले बंदे के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ लगा सकता हूँ मैंने इसको। जब आप ढलान से आ रहे हो तो यार कैसे गाड़ी चला रहे हो यार आप? देखो मतलब आने वालों को रास्ता छोड़ो जो चढ़ रहे हैं। एक NS ना गियर में दिक्कत कर रही है और फोक दोबारा से पूरा जम गया। गलती कर रहा है, देखो कैसे भाग छोड़ रही यार। वो गई अपनी रिक्शा, पैनिक होके मत खींचना एकदम से एक दूसरे के पीछे, ये बात ध्यान रखना पार्टों में। जैसे वो गया तो मैंने उसके पीछे खींची है, लेकिन बराबर में मत खींचना कभी भी। देखो फोक हट गया मेरा, जैसे भगा रहा हूँ मैं तो, अगर बाइक भागती रहेगी तो फोक हट जाएगा। अबे पावला है क्या? रैम तो पीछे पीछे कर लो। तो भाई ये UK 14 का ट्रक है और देख सकते हो ऊपर को ले लो। देखो कैसे ला रहा है भाई ये। अरे परे कुदाब ले थोड़ा सा। बहुत रोड पड़ा हो भाई, बहुत रोड पड़ा, बहुत रोड पड़ा, पर थोड़ा सा परे कुदाब ले। अरे थोड़ा सा दाब ले। तो भाई UK वाले इस तरह से बदतमीजी करते हैं, उत्तराखंड वाले इस तरह से बदतमीजी करते हैं। उधर रोड पड़ा है और देख लिया इसने कि कैमरा वैमरा सब लगा हुआ है, तो बदतमीजी करे भी ना बाज नहीं आया। जगह नहीं थी उस तरफ, इन्हें जानबूझ के बदतमीजी करी। चल इन्हें पियेंगे, आजा। तो भाई बहुत नैरो था और स्पेशल ना आराम से वो उधर दाब सकता था थोड़ा सा, तो लेकिन उसने बिल्कुल भी दाबने की कोशिश ही नहीं की। ये असल में क्या है भाई, मैंने खुद कल देखा था स्टैंड पर बैठे थे तो खुद ना बंदे शराब पी के टैक्सी चलाते हैं यहाँ पे। ये चीज़ मैंने कल देखी भाई, मैं तो चौंक गया। मैंने कहा भाई बंदे शराब पी के रेस्टोरेंट बैठ बैठ के और टैक्सी चलाएंगे अब। और वो मुझे कह रहा कि तुम टेंशन भी ले रहो, एक आधा पैक खींचो, और मतलब खुद तो मरने वाले काम कर ही रहा है, दूसरे को सलाह और दे रहा है। फिलहाल बैग देखो एक तरफ को जा रहा है उसका भाई, इसका फ्यूल अप भी कराना फटाफट से। और एक सबसे बड़ी चीज़, पहाड़ों में कभी भी जल्दबाजी ना करो। मैं जल्दबाजी की वजह से गलत रास्ते पे चला गया था। वैसे पहले ना ये वाला रास्ता जरा सके जाना था, मतलब यहाँ से कहीं घूम रहा था। अभी 6 महीने के अंदर नक्शा बहुत चेंज हो गया। और हाँ, मैं केदारनाथ जब आया था तो मैं उस साइड से आया था। मुझे लग रहा है कि ये लोग थोड़ा सा लंबे रास्ते से आए हैं, थोड़ा सा नहीं भाई, ये बहुत लंबे रास्ते से आए हैं, वरना मैंने केदारनाथ रात को बाइक लगा दी थी। और हाँ, इसके फ्रंट टायर में ना हवा नहीं थी भाई, जिस वजह से घड़ 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 लग रही थी।
जिक्सर जा रही भाई अपनी वो, और जिक्सर में टूटा हुआ 150 नंबर का टायर, और देखो पीछे से लग गया सुपर बाइक जैसे, कुछ टाइम बाइक का लुक ही ऐसा रहता है। बस बस भाई साहब है इसमें एक साथ कर दो उसके मुझे पे करने है, क्योंकि 853 पहले जीरो कर लियो, 853 है ना उसका, गूगल पे कर देंगे हम। आप जीरो कर दो, आप जीरो कर दो, 854 ही कर दें पूरे। और ऊपर तक वाला बना करियो इन्हें हमने इंस्टाग्राम पे भी, मेन थिंग इज कि लगेज लगने के बाद हम बाइक 250 किलो के आसपास हो चुकी, तो ये स्कॉर्पियो वाला भाई हमें जगह नहीं देगा बिल्कुल भी, हम बच ही लेंगे इस भाई से। तो निकल भाई पहले फरारी फरारी भाई, स्कॉर्पियो वाला भाई मुझे बिल्कुल जगह नहीं दे रहा है, और जहाँ रोड मिलेगी ना चीरता फाड़ता उतर जाऊँगा स्कॉर्पियो के, क्या दम है इसके सामने। अब मैं छपरी बने पे आ गया थोड़ा सा, अब छपरियों की तरह भाई निकालता हूँ एज ऑफ नाउ। चौपटा किधर की साइड है, चौपटा चौपटा ये बंदा यार टैक्सी नंबर गाड़ी में कैसे हरकतें कर रहा है, कहीं भी मॉडिफाइड है भाई गाड़ी पूरी की पूरी, एग्जॉस्ट भी है और पीछे के टिंट भी है, हेडलाइट और बैक लाइट भी मेरे ख्याल से टिंटेड है, और भाई कसम से गजब मॉडिफाई कर रखी है, ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं है और जेन्युइन है सबसे बड़ी बात है। ये कभी झील हुआ करती थी, नज़ारा देखो यार घर कितने ऊपर से ऊपर बने हुए हैं, तो ये नज़ारा ही तो काम आता है, और ऑफ रोड में तो ये बाप है सबका निकलेगी, देखो ये देखो ऐसे निकलेगी, बट चाइनीज का ऑपरेट ख़राब होता है इस वजह से, खड़े होकर अगर निकालते हो तो इन बाइकों का ये टूट नहीं होती ना भाई इस हिसाब से, इसलिए होता है। देखो इसने क्यों कट लिया कोई इससे पूछे तो, ओ भाई ये है देखो रास्ते, भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि हम गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि इतनी दूर तो था ही नहीं यार, हम लोगों ने बहुत खींच दिया यार 11 किलोमीटर को ये, और सुबह से 22:30 के आसपास अलग खींच दिया, 33-34 किलोमीटर चलने के बावजूद भी अभी तक कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ यार।